इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं सी शार्प के अंदर। तो आप विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लें, फिर फाइल पर आ जाएं, न्यू प्रोजेक्ट। आप ये प्रोसेस लर्न कर लें कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो फिर बार बार हमें जब है फिर से यानी कि स्टार्ट से प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी ये सी शार्प पे आप क्लिक करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, कंसोल का अपना तरीका है, गोई का अपना तरीका है, और वेब एप्लीकेशन का अपना तरीका है। तो कोई भी आप इधर नाम रख सकते हैं। चले आज नाम बदलते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट नाम रख लेते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ओके कर लेते हैं। अभी हमारी क्लास बन गई है स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इसके अंदर ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर आके जहाँ से सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसके अंदर हम लिखेंगे कि जैसे आपने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, राइट लाइन फंक्शन है इसका, ये कंसोल क्लास है, राइट लाइन है जो कंसोल के ऊपर टर्मिनल के ऊपर डॉस विंडो के ऊपर हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगी। हेलो हमने लिख दिया, ये तो आपने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में देखा है तरीका लिखने का। अब हम एक और तरीका बताते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस तरह कर देते हैं ये, और फिर साथ हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। अभी हम बता देते हैं क्या है और क्या हो रहा है। ये जैसे अब ये क्या है, ये जो फंक्शन है राइट लाइन, ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। आगे जाके हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीशा में फंक्शन क्या आते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। तो अभी के लिए यह है कि राइट लाइन हमने लिखा है, तो उसका ये फंक्शन है और उसको हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। जो जो चीज़ आप भेजते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। अब ये जो फंक्शन है राइट लाइन, ये दूसरा वाला फंक्शन है, यानी नाम उसके जैसा ही है, लेकिन ये दूसरे आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट लेता है। ये इसमें एक आर्ग्यूमेंट है, इसमें एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है। ये भी चीज़ हम भेज रहे हैं, फिर कॉमा लगा के ये वाली चीज़ भी हम इसे भेज रहे हैं। तो ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यानी दो चीज़ें ले रहा है। तो फिर हम इसका और इनकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, यानी टेक्स्ट है, ये स्ट्रिंग टाइप है। तो ये पहले वाले का मतलब ये है कि ये ऐसे लगा के ये जो आपने कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं उसके अंदर जीरो लिखा है, इसका मतलब है पहले वाला आर्ग्यूमेंट ये क्या, ये वाला उठा के इसमें रख दो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाली चीज़ को उठा के इधर रख देगा और इसे प्रिंट कर देगा। तो इसकी ये ब्रेसिस का मतलब है इसकी वैल्यू जीरो पहले वाले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को प्रिंट करता, तो ये प्रिंट कर दें। तो फिर अगर हम एक और आर्ग्यूमेंट देना चाहें तो फिर ये भी देते हैं, कंसोल राइट, ये एक से ज़्यादा ले लेगा। ये ऐसे कर लेते हैं, फिर न्यू लाइन लिख लेते हैं, यानी कि पहले जो आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन के ऊपर दूसरा प्रिंट हो। न्यू लाइन का मतलब होता है अगली लाइन पर जाना। तो फिर अब ये आगे हमने वन कर लिया, अब हम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, तो फिर आके और कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब ये दो आर्ग्यूमेंट हो गए। अब ये क्या मतलब हो गया कि जीरो जो है, जीरो ये वाला पहले वाला जीरो वाला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, ये पहले वाला। फिर वन क्या है, वन ये वाला। तो फिर ये क्या करेगा, ये पहले हेलो वर्ल्ड इसमें आ जाएगा, फ्रॉम सी जो है इसमें आ जाएगा। अब एक और चीज़ करके देखते हैं, अगर आपने एक और देखा एक और एग्जांपल कि ये इसी तरह ही रहता है, इनकी ये जो होती है कि पहले किसने आने, ये जीरो वाले का मतलब ये पहले वाला ही है, वन वाले का मतलब ये वाला। अगर हम इसको वन कर देते हैं, पहले वन लिख लेते हैं, इधर ज़ीरो लिख लेते हैं, तो इनका ऑर्डर नहीं बदलता है, ये ज़ीरो वाला ही है, ये अब इधर आ जाएगा सेकेंड वाले के अंदर, और ये वन लोकेशन पर है, तो वन लोकेशन वाला इधर आ गया। तो इन सबको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, स्टार्ट विदाउट डबिंग डिबगिंग करना है, नहीं तो आपकी जो विंडो है ये चली जाएगी। देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हमने कर लिया पहले, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, फिर ये हेलो वर्ल्ड आ गया, फिर ये हेलो वर्ल्ड, फिर फ्रॉम सी शार्प आ गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ये नीचे वाला हेलो वर्ल्ड, और फिर सी शार्प पहले आया सी, ये वाला ये उल्टा आया ना,
पहले सी शार्प का आया फ्रॉम सी, ये वन के अंदर, और फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड ये वाला इसके अंदर। तो तरतीब इधर आप बदल सकते हैं, लेकिन इधर की वो ही रहती है, यानी जो आगे वाले आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं इसी तरह ही शुरू होगा, ज़ीरो वन, ये भी ज़ीरो वन। इधर आप चेंज कर लें तो ये, लेकिन इनकी लोकेशन नहीं बदलेगी, ये उसी तरह रहेंगे ज़ीरो वन। अगर आप वन को प्रिंट करा रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला, अगर ज़ीरो को करा रहे हैं तो इसका मतलब ये। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है, इसके आगे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हम देखेंगे। जैसे आप लोग कोई अमाउंट वगैरह डालते हैं, उसको करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने स्ट्रिंग को ज़रा फॉर्मेट करना है, यानी उसका ज़रा उसकी चेंज करनी है कि आउटलुक कैसे आए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये सिंपल सा स्ट्रिंग प्रिंट करना, और फिर ये जो है ये फ़ायदा देता है आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के, कि किस लिहाज से आप स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रहे हैं।